हेलो दोस्तों, सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश 2018 का राशन कार्ड के लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने भी अपना राशन कार्ड यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का बनने के लिए दिया था और आपको पता नहीं चल पा रहा है किस तरह से आप अपना राशन कार्ड के लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी में देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और उसको शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके इसके बराबर में बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अपने राशन कार्ड की लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए ऐसे सरकारी योजना से रिलेटेड जानकारी अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड की लिस्ट कैसे देखें, और यहाँ पर बहुत तरीके की आपको सरकारी योजना से मिलती जुलती जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह से आप अपने राशन कार्ड की 2018 की लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा, या फिर आप जो भी ब्राउजर का यूज करते हैं उसको आप यहाँ पर खोल लें। इसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर राशन कार्ड यूपी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं राशन कार्ड यूपी। लिखने के बाद आपको इसको सर्च कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा, खाद एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश। तो आपको क्या करना है, ये पहले वाले पर ही क्लिक करना है, जहाँ पर आपको fcs.up.nic.in लिखा हुआ दिखाई देगा। तो हम जो है इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राशन कार्ड 2018 की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आना होगा थोड़ा नीचे, और जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है। तो ये रहा वो ऑप्शन, आपको यहाँ पर सबसे पहले ढूंढना होगा एक ऑप्शन जिस पर लिखा हुआ दिखाई देगा महत्वपूर्ण लिंक, और यहाँ पर आपको एक जंजीर टाइप की बनी हुई दिखाई देगी। इसके नीचे आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है वो दिखाई देगा NFSA की पात्रता सूची। ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, NFSA की पात्रता सूची वाले पर। तो हम जो है इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा सबसे पहले जिले का नाम। तो यहाँ पर जो है आपको अपने ज़िले का नाम चुनना है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मैं अभी आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो तरीके के राशन कार्ड आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आगे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आपको दो तरीके के राशन कार्ड देखने को मिलेंगे, पहला पात्र गृहस्थी और दूसरा आपको दिखाई देगा अंत्योदय। तो यहाँ पर जो है अगर आप पात्र गृहस्थी और अंत्योदय दोनों का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर चुनना होगा अपना ज़िला। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले वाले ज़िले पर ही क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर जिले पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको दो क्षेत्र देखने को मिलेंगे। पहला आपको यहाँ पर नगरीय क्षेत्र देखने को मिलेगा सबसे ऊपर वाला, और नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र। तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं आपको यहाँ से वो चुन लेना है। जैसे कि मान लीजिएगा आप यहाँ पर नगरीय क्षेत्र से हैं तो आपको टाउन से अपना टाउन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पर ऊपर वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने पहले वाले पर ही क्लिक कर दिया है। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले दुकानदार का नाम। तो यहाँ पर आपका जो भी दुकानदार का नाम है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय दोनों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले पात्र गृहस्थी का। तो हमें क्या करना है, ये जो आपको नीला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने जो है इस पर क्लिक कर दिया है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो है आपका डिजिटल राशन कार्ड जो है दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर अभी बहुत से लोगों के जो है राशन कार्ड जो है यहाँ पर जुड़े होंगे, तो मैं उनका दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो राशन कार्ड की संख्या दिखाई दे रही होगी डिजिटल राशन कार्ड संख्या, तो हम इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या क्या नाम है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आराम से अपना राशन कार्ड की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप अंत्योदय का देखना चाहते हैं तो आपको बैक आके फिर यहाँ पर अंत्योदय वाले पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप क्लिक करेंगे आपको दोबारा से यहाँ पर राशन कार्ड पर क्लिक करके अपना राशन कार्ड जो है देख लेना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूँ। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।